नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं मैं बेटी हूँ। हम जिंदगी में अक्सर अपने लिए तो बहुत भाग दौड़ करते हैं, दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक हम लोग खूब मेहनत करते हैं ताकि हम अपने लिए कुछ कमा सकें, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं, और ऐसी ही एक बेटी से मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ जिसको देखकर आप वाकई में कहेंगे कि हाँ, हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ तो समय जरूर समर्पित करना चाहिए। इस बेटी से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आपने एनजीओ तो कई देखी होंगी जो समाज सुधार में कई तरीकों से योगदान दे रही हैं, लेकिन हमारी आज की बेटी रश्मि खेत्रपाल जो एनजीओ चलाती हैं, वो बाकी सबसे कुछ अलग है। खेत्रपाल चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट गरीब बच्चों की आर्थिक तौर पर मदद करता है। ये बेटी एक सक्सेसफुल सीए तो है ही, लेकिन आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के बच्चों का सीए बनने का सपना भी पूरा करवाती हैं। जिन बच्चों को आर्थिक मदद की जरूरत है, वो बच्चे इस बेटी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। न सिर्फ सीए बनने में बल्कि स्कूली शिक्षा में भी अगर आर्थिक तौर पर मदद चाहिए तो ये बेटी आर्थिक मदद भी करती है। आर्थिक मदद करने के अलावा किताबों को भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में ये बेटी काम करती है। कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के लिए एक प्रेरणा की जरूरत होती है। इस बेटी के जीवन में ऐसी ही प्रेरणा बनी इनकी सास। अपनी सास से ही प्रेरणा लेकर इस बेटी ने इस एनजीओ की शुरुआत की। चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी आज की इस बेटी से। तो हमारे साथ आज जिस बेटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो हैं रश्मि खेत्रपाल जी। बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक। थैंक यू जी। रश्मि जी, आपके बारे में सुना बहुत है लेकिन आज मुलाकात आपसे हुई है, लेकिन क्योंकि आप समाज के लिए इतना कुछ कर रही हैं, एक एनजीओ जो है वो आप चला रही हैं, जिससे कि जो पढ़ने की चाह रखते हैं वो सभी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हाँ जी, ये मेरे को आज 7 साल से ऊपर हो गए ये एनजीओ चलाते हुए, खेत्रपाल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि मैंने अपनी स्वर्गवासी मदर इन लॉ सतवंती खेत्रपाल के नाम पर चालू किया था। किस तरह से और कितना अच्छा काम जो है आपकी एनजीओ कर रही है? हम अपने इस एनजीओ के अंदर वो सभी तमाम बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो 12th तक पढ़ाई अपनी ख़त्म कर चुके हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं या सीए करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आगे फ्यूचर की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मेडिकल एंट्रेंस में एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते उस आगे पढ़ाई करने के लिए, तो हमारा एनजीओ ऐसे उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करता है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो सीए करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो बहुत प्रमोट करती हूं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन मस्ट है बच्चों के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी फ़ीस को स्पॉन्सर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो आगे जाकर एक अच्छे काबिल इंसान बन सके। और उन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से हमारी कि हम आपको एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप आगे जाकर एक बच्चे को और जरूर पढ़ाई स्पॉन्सर। देखिए, ये बहुत अलग जो है काम आप कर रही हैं, क्योंकि हमने अक्सर सुना होगा बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद करते हुए तो बहुत लोग सामने आते हैं, लेकिन फीस को स्पॉन्सर करना जो है एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि फीस का खर्चा जब आता है तो वो वाकई में उठाना जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या पूरी तरह से जो है बच्चों का जो फीस का शुल्क है वो उठाती हैं? हाँ, पूरा फीस हम लोग डिपॉजिट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम आधा उठा सकते हैं और आप सिर्फ आधा उठा दें तो हम आधा उठा देते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि बच्चे में कैलिपर है, वो सीए कर सकता है, तो हम उसकी पूरी फीस भी जमा करा देते हैं। लेकिन बच्चों को कैसे चुनती हैं, जो गरीब परिवार से है वो या फिर लोग जो मदद मांगने के लिए आते हैं आपके पास? देखो, नॉर्मली तो हमें जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं नॉर्मली तो वही बता देते हैं कि ये हमारे स्कूल का एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, आगे पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि उसको पढ़ा पाए, तो ज़्यादातर हमारे पास रिकमेंडेशन स्कूल के प्रिंसिपल्स के थ्रू ही आती हैं। और लेकिन ऐसे भी हैं कि लोग बच्चे और भी आ जाते हैं हमारे पास, फिर हमारा बोर्ड बैठता है, हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि अगर उस बच्चे में काबिलियत है, तो कई बार हमने ऐसा भी किया है जहां हमें डाउट होता है तो हम कहते हैं आप पहले एंट्रेंस टेस्ट दे दीजिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो हम आपकी फ़ीस जमा कर देंगे, तो हम ये भी करते हैं।
यानी कि ये बहुत नया है क्योंकि फीस का शुल्क जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, फीस बहुत ज्यादा है, लोग उसका भार जो है अक्सर नहीं उठा पाते और जो एक इच्छा है करने की मन में वो जो है नहीं पूरी हो पाती है। लेकिन क्या जो भी अगर कोई गरीब है, कोई किसी के पास पैसों की कुछ तंगी है तो आपसे संपर्क सीधा के कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पास डायरेक्टली आ सकता है और हमको एक रिटर्न एप्लीकेशन में अपना रिक्वायरमेंट लिख के दे सकता है और फिर हम उसके लिए वो फीस जो है जमा करा देते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये तो आप कर ही रही हैं, बहुत अच्छी बात है, किताबों का भी कुछ जो है किताब डोनेट भी? हाँ, हमने पिछले साल शुरू किया था कि कॉपीज और बुक्स और स्टेशनरी का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों के लिए, और हमने एक बुक्स एक्सचेंज प्रोग्राम चालू किया था जिसमें मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ और बहुत गर्व के साथ कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने, इवन हेरिटेज स्कूल जो कि एक बिल्कुल ही प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल के बच्चों तक ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारे साथ कॉपरेट किया। सब बच्चे, जैसे जो सिक्स क्लास का बच्चा है अब सेवन्थ में जा रहा है, वो अपनी सिक्स की बुक्स हमें दे दे, और जो ऐसे गरीब स्कूल्स के बच्चे हैं, गरीब स्कूल्स भी नहीं कहूँगी, जो थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो देते हैं लेकिन वो किताबों का खर्चा नहीं उठा पाते, तो वो हमसे ये पुरानी किताबें ले सकते हैं और आगे अपने बच्चों को दे सकते हैं। बुक्स एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है वो इसके माध्यम से चलता है, तो अगर किताबों की जरूरत है तो वहाँ उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मदद करने का प्रयास जो है वो रश्मि जी की ओर से किया जाता है और कर ही रही हैं लंबे समय। कितने समय हो गए आपको? हाँ, मुझे ये सब करते हुए 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए, लेकिन क्या वो थॉट आई थी माइंड में जब आपने सोचा कि ऐसी जो एनजीओ है वो चलानी चाहिए? आप देखो कि मेरी जो मदर इन लॉ थी सतवंती खेत्रपाल, वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लेडी थी। खुद पढ़ी लिखी ना होते हुए भी उन्होंने अपने अकेले 9 बच्चों को पाला और सबको अच्छी अच्छी एजुकेशन दी और अच्छी, आज सब अच्छी एजुकेटेड पोजिशन पे थे। तो कहीं ना कहीं उनको और मेरा जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो हम जब आपस में डिस्कस करते थे तो वो मुझे गांवों की परिस्थिति बताती थी कि गांवों में कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, और वो सिंगल मदर थी तो उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेली कि वो बच्चों, उनके पास कॉपियों के लिए पैसे नहीं होते थे, उनके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं होते थे, और कैसे उनको चूज़ करना पड़ता था कि घर में राशन लाएँ कि किताबें लाएँ। तो उनकी जब परेशानियां मैं सुनती थी, उनकी कहानियां मैं सुनती थी, तो कहीं मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि ये एक लेडी इतना अकेले 9 बच्चों को पालती है और इतना पढ़ाती है, तो मैं भी करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि उन बच्चों को जिनको जिनमें काबिलियत है, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको सिर्फ पैसे दे के मदद कर देना एक बहुत छोटी मदद हो जाती है, लेकिन आप उनको अगर एजुकेट कर देते हैं और उनको प्रोफेशनली क्वालिफाई कर देते हैं तो आप उनके पूरे खानदान को बढ़ा देते हैं। क्योंकि हमने एक बच्चे को सीए कराई, और जिस बच्चे को हमने सीए कराई, उस बच्चे ने सीए करने के बाद जब जॉब ली, और वो एक बस कंडक्टर का बेटा है, उसने जब जॉब ली और उसके बाद उसने अपना एक 1 बेडरूम फ्लैट खरीदा, अपने पेरेंट्स को उस घर के अंदर शिफ्ट किया, वो एक इतना इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पहली बार उस बच्चे ने एक पक्का मकान अपने पेरेंट्स को लेके दिया। आज उस बच्चे ने अपनी बहन को सीए कराई। तो हम यही, ये एक ड्राइव चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक बच्चे को ना पढ़ाकर बल्कि पूरे परिवार को सक्षम कर सकें, उसको और ऊपर ला सकें। और इसी दिशा में जो है आप काम भी कर रही हैं, बहुत शानदार काम है जो रश्मि जी कर रही हैं। हालांकि और लेकिन साथ ही रश्मि जी एक और जो काम है वो आप शुरू कर रही हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली कि जो रेप विक्टिम्स हैं, रेप को लेकर एक तो जागरूक की क्यों हो रहा है ये समाज में, ऐसा ना हो इसके लिए, इसको लेकर जागरूकता जो है वो फैलाने की तैयारी है, और साथ ही जो रेप विक्टिम्स हैं उनको कैसे इस ट्रॉमा से, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा जो है उससे उन्हें बाहर निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सदमा जो लगता है उसके लिए जो है क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से ये काम होने वाला है? देखिए, जो बढ़ते हुए हम जुबेनाइल रेप विक्टिम केसेस देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। हम लोग इसके बारे में सुनते हैं, उस दिन अफसोस करते हैं कि बुरा हुआ कि 8 महीने की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, उसके पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं था, और हम उस दिन उसकी डिस्कशन करके उसको छोड़ देते हैं और कल हम अपने काम में दोबारा लग जाते हैं। तो मुझे कहीं लगा कि इसमें समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, समाज को बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सिक मेंटालिटी दिखा रहा है हमें, हमें ये दिखा रहा है, क्योंकि 8 महीने की बच्ची क्या होती है, 8 महीने की बच्ची किसी को आकर्षण नहीं कर सकती, किसी को कपड़े ऐसे नहीं पहन सकती, वो सब कुछ नहीं कर सकती। तो ये एक सिक मेंटालिटी है, और एक हमारी सोसाइटी में एक डिप्लीशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ है जो हम देखने को कर रहे हैं। और जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कॉज है,
तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कॉज के बारे में हम चर्चा करें हम, क्योंकि जब चर्चा करेंगे तो लोग सामने आएंगे, हो सकता है कुछ आगे सामने आए जो हमें इसका सोल्यूशन दे सके, ऐसे डॉक्टर्स ऐसे मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आए जो हमें इसका सोल्यूशन दे सके, पुलिस और व्यवस्था सामने आए जो अपने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, और सरकार सामने आए जो करना चाहती है सरकार भी, क्योंकि मैं सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि कहीं सरकार के मन में भी इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है, क्योंकि किसी भी बेटी के साथ अगर ये होता है तो हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। तकलीफ जब किसी बेटी को होती है तो जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं जो बेटियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और खुद बेटी होने को लेकर कि हमारे ही जैसी दूसरी बेटियों के साथ में ये हो रहा है। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि आप हरियाणा प्रदेश से आती हैं, आप जो है तीन बहनें हैं, और लेकिन क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो बेटियां हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहा जाता था पहले, और बेटियों को मारने की गर्भ में ही मारने की कोशिश जो है वो की जाती थी, क्या आपने कुछ ऐसा फेस किया शुरुआती दौर में अपने जीवन के, या हम कहें कि अब जब आप हालांकि सक्सेसफुल इतनी हो गई हैं लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज आया कि मैं बेटी क्यों हूँ? देखो मैं तो कहूँगी कि मुझे बेटी होने पर गर्व है, और हरियाणा की बेटी होने पर और भी ज़्यादा गर्व है। पता नहीं हरियाणा के मिट्टी में पानी में ही कुछ ऐसा जादू है कि यहाँ की बेटियाँ इतना बड़ा बड़ा काम कर जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या आर्ट्स का फील्ड हो, कि हम देखेंगे तो हरियाणा की बेटियों ने वो नाम कर दिया। ये मैं कहूँगी ये कुदरत का करिश्मा है। आज कोई भी बिना शिक्षा के ना रहे, इसी उद्देश्य के साथ रश्मि खेत्रपाल काम कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही आज रश्मि खेत्रपाल गर्व महसूस करती हैं कि वो हरियाणा प्रदेश की बेटी हैं। तो देखिए मेरे पिताश्री के हम तीन बेटियां थी, और मेरे पिताजी संघ से बिलोंग करते थे, तो वो संघ वैल्यूज को लेकर चलते थे, तो उन्होंने हम तीनों ही बेटियों को इतना ज्यादा बोल्ड बनाया। हम स्पोर्ट्स करते थे, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ एथलेटिक्स में, मेरी छोटी सिस्टर एमएनएसएस राई से पास आउट रही है, तो हमारे फादर हमें मॉर्निंग में 2 घंटे ट्रेनिंग, शाम को 2 घंटे ट्रेनिंग, अगर आपने दंगल पिक्चर देखी हो तो वो हमारी भी कहानी है। हमारे घर में भी वही एटमॉस्फेयर होता था कि 5:30 बजे उठ जाओ, अब आपको ट्रेनिंग पर जाना है, तो उन्होंने बहुत टाइम दिया है। तो मैंने तो हरियाणा के अपने पिता को ऐसे पिता के रूप में देखा है जिसने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपना बिजनेस नहीं देखा, उन्होंने अपना टाइम नहीं देखा, अपना करियर नहीं देखा, सिर्फ फोकस हमारे ऊपर था। लेकिन रश्मि जी, क्योंकि आपको परिवार से सपोर्ट मिला, पापा का साथ था आपके साथ में, पूरे परिवार का दूसरे जो है सदस्यों का साथ आपके साथ में था, लेकिन क्या अब जिस तरह के लगातार मामले सामने आते हैं, चाहे रेप के मामले हों, चाहे छेड़छाड़ के मामले हों, बेटियों के साथ जो हो रहे हैं उसको देखते हुए डर लगता है? देखिए कहीं ना कहीं जब इतने रेप के आप केसेस सुनते हो, और स्पेशली जब आप छोटी बच्चियों के साथ रेप के केसेस सुनते हो, तो कहीं ना कहीं मन में एक बार तो जरूर आती है कि थैंक गॉड मेरी बेटी नहीं है। लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि ये एक मेरे मन में हमेशा रहती है कि मुझे एक बेटी चाहिए, एक बेटी की तमन्ना जरूर रहती है, क्योंकि जो बेटियाँ कर सकती हैं वो माफ़ करना लेकिन बेटे उतना नहीं कर सकते। आज ज़रूरत है बेटियों को पढ़ाने की, बट एट द सेम टाइम लड़कों को भी एजुकेट करने की। हमने लड़कियों को पढ़ा दिया, लड़कियों को एक लेवल तक लेकर आ गए, लेकिन कहीं हम इस सारी दौड़ के अंदर लड़कों पर फोकस करना छोड़ दिया। लड़कों के अंदर जो लड़कियों को लेकर, लेडीज़ को लेकर जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो वैल्यूज़ देना हम भूल गए। हम लड़की को तो एक टॉप पर आ गई, लेकिन लड़का उसकी कामयाबी कितना सह पा रहा है वो हम नहीं कर पाए। कैसे हो सकता है? जागरूकता अभियान को इसको लेकर चलाया है, इसीलिए हम एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम स्मॉल स्मॉल विलेजेस में और जगहों में जाकर इस पर सोशल टॉक्स करेंगे, लोगों से बात करेंगे, स्कूल के बच्चे से भी हम इसमें मदद ले रहे हैं, सरकार से भी हम इसके अंदर पूरी मदद हमारे पास है, और हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम जितना इसके बारे में बात करें, हम जितना लोगों को जागरूक कर पाएँ, जितना लोगों के अंदर ये मैसेज दे पाएँ, और जितना सोसाइटी से ये जो सिक मेंटालिटी है, ये जो कीड़ा है, जो बीमारी है, ये निकाल पाएँ। बिल्कुल, इसकी तरफ जो है काम रश्मि जी कर भी नहीं, लेकिन साथ ही आपने बताया कि आप जो है एथलेटिक्स में रही हैं, तो कौन सा खेल आप खेलते हैं? मैं 100 मीटर्स, 200, 400 मीटर्स और लॉन्ग जंप की प्लेयर रही हूँ, और 5 साल लगातार हरियाणा स्टेट की बेस्ट एथलीट रही हूँ, और ये 4 इवेंट्स में करती थी मैं, स्प्रिंटर, स्प्रिंटिंग इवेंट्स कहते हैं हम इनको। चलिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप रही हैं तो स्पोर्ट्स जाहिर तौर पर आपकी हॉबीज तो में से एक तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा और क्या हॉबीज आपकी?
देखिए जी, मेरी तो सबसे बड़ी हॉबी सोना है, क्योंकि जब मुझे मौका मेरी भी हॉबी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोना एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन भी है, कि सोते समय जो आप अपने आप को एनर्जी दोबारा चार्ज कर पाते हैं वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। उसके अलावा रीडिंग, मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, हर तरह की किताब पढ़ने की मेरी मंशा रहती है, तो रीडिंग मेरी एक बहुत ज़्यादा ऐसी हॉबी है कि रात को अगर मैं एक दो घंटा पढ़ना लूँ तो मैं सो नहीं सकती हूँ। और ट्रैवलिंग चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जा सकूँ, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, हम लोग कहते हैं कि जी ये बाहर मुल्क में घूमने गया है तो ये अच्छा हिंदुस्तानी नहीं है, वो गलत है, क्योंकि आप बाहर जाते हो, आप लोगों को देखते हो, वहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो देखते हो, तो कहीं ना कहीं सीख कर वापस आते हो, यू नो, और कोशिश करते हो कि उन चीज़ों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन साथ ही रश्मि जी, क्योंकि बेटी होते हुए, हरियाणा प्रदेश से बेटी होते हुए, हालांकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जब बेटियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता उस वक्त पे रश्मि जी ने जो है वहाँ पर अपना एक स्पोर्ट्स को लेकर जो है वो आगे गई, उनके पेरेंट्स ने हालांकि उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन अब अपनी जर्नी आपको कैसी नज़र आती है? मैं पीछे देखती हूँ तो मैं बहुत खुश और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी, ऐसे माँ बाप मुझे मिले जिन्होंने मुझे इस तरह की बोल्ड, मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर मेटल कूट कूट के भरा, और वही मेटल है जो आज शाइन कर रहा है। आज अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, आप इतने आइडियाज़ कहाँ से लेकर आती है, तो मैं कहती हूँ ये वो मेटल है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर बचपन में भरा, तो मुझे कोई ग्रीवियंस ऐसे नज़र नहीं आता। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, आपको एक भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। हाँ, अभी मुझे भारत रत्न NCR अवार्ड से नवाजा गया है। मैं GST और VAT और सर्विस टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती रही हूँ, और उन्हीं उसी चीज़ को लेते हुए, मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को सहारते हुए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। बहुत खुशी की बात है कि बेटी को जो है इतना अच्छा अवार्ड जो है सरकार की ओर से मिला है, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जो है बुलंदियों को छुएं और आगे बढ़े, जो आप करना चाहती हैं वाकई में समाज के लिए एक परिवर्तन, जो आप समाज में लाना चाहती हैं वो आप लेकर आएं। लेकिन साथ ही जो बेटियाँ हैं तमाम जो कुछ करने की इच्छा तो रखती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर फैसले से पहले तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम सब के अंदर वो ताकत है, माँ दुर्गा भी हम हैं, माँ शक्ति भी हम हैं, माँ सरस्वती भी हम हैं, माँ शारदा भी हम हैं, तो ये हमें देखना है कि हम खुद खड़े होएं, अपने ऊपर पहले खुद कॉन्फिडेंस करें, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, अपने से खुद पहले प्यार करें, अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। यानी जब इतनी शक्ति एक बेटी के अंदर है, इतनी जो ताकत है वो एक बेटी के अंदर है, तो जरूरी है कि अब उस ताकत को पहचाना जाए, उस शक्ति को पहचाना जाए, उस ताकत को पहचाना जाए, और साथ ही दृढ़ संकल्प जो है वो कर लेना चाहिए कि अब हमें कुछ करके दिखाना है। अगर आपको कोई रोक भी रहा है तो अपनी कोशिशों से आप उसको मना भी सकते हैं, और अपना जो इच्छाएं हैं, जो एक लक्ष्य है उसको हासिल भी कर सकते हैं। मैं बेटी हूं मैं आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी ही बेटी से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।